हम लोग चाइना की पावर, चाइना की क्या ताकत है और क्या कमजोरी है ये अगर जान जाते हैं हम इंडियन, तो चाइना हमारे लिए कुछ नहीं है। चाइना हमारा एक पड़ोसी देश है, चाइना एक पावरफुल देश है, इसमें कोई डाउट नहीं। चाइना में कुछ ना कुछ खूबियां हैं बट कुछ कमजोरियां भी है। तो पूरी केस स्टडी करने के बाद मैं कुछ ऐसे पॉइंट निकाला हूं जिससे हमें चाइना की ताकत पता चल जाएगी और चाइना की कमजोरी भी पता चल जाएगी कि क्या क्या वीकनेस है जिसके वजह से चाइना कम्प्लीटली ग्रो नहीं कर पा रहा है इतना पावरफुल होने के बाद भी, और क्या क्या गलतियां हैं। तो चाइना का पहले हम लोग देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग चाइना की ताकत की बात करते हैं। तो मैंने जो केस स्टडी करी है पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग जाइंट, चाइना का जो पहला पावर है मैन्युफैक्चरिंग जाइंट। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कितनी बड़ी दीवार खड़ा कर दी चाइना ने। तो कुछ भी बड़ा करने में चाइना आगे रहते हैं, कुछ भी बहुत बड़ा क्रिएट करने में चाइना आगे रहते हैं। एग्जाम्पल है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सेकेंड जो इसका पावर है, मास्टर ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने में बिल्कुल महारत है इनको, किसी भी चीज का निर्यात करना हो, भेजना हो, इसी काम में ये अपने आप को बहुत ही सुटेबल समझते हैं और अपना फायदा समझते हैं। मास्टर ऑफ एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक कंपनी को ये रिजेक्ट करते हैं, फॉरेन कंपटीशन से दूर रखते हैं। अपने देश में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनके, वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो फॉरेन कंपनी, जो विदेशी कंपनी है, उनके साथ उनका कोई कंपटीशन ना हो। सो ये एक्सपोर्ट में विश्वास रखते हैं और बड़े बड़े एक्सपोर्ट करने हैं, एक्सपोर्ट में मास्टर है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है इन्वेस्ट इन रिसोर्स ऑफ रिच रीजन ऑफ अफ्रीका। जी हाँ, चाइना तीसरा इसका जो मेन पॉइंट है वो है क्या है कि अफ्रीका के रिच रीजन में, यानी अमीर प्रदेशों में, अफ्रीका के अमीर प्रदेशों में ये इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको वहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है करप्शन इज रेगुलेटेड। जी हाँ, हमारे इंडिया में जिस प्रकार से करप्शन है इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वहाँ चाइना में करप्शन को रेगुलेट किया गया है। टॉप ऑफिशियल लगे हुए हैं जो करप्शन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की करप्शन ना हो। हर तरह के करप्शन पे रोक कम्प्लीटली रेगुलेट किया गया, कम्प्लीटली रेगुलेट है। किसी भी एरिया में किसी भी प्रकार का जीरो करप्शन आप कह सकते हो चाइना में। फिफ्थ जो पॉइंट है, टू द ऑटोक्रेसी अलाउ मेंटोक्रेसी, जो इनका निरंकुशता है, ऑटोक्रेसी जिसके वजह से इनको मेंटोक्रेसी मिलता है, यानी ये निरंकुश होकर के कुछ भी कर लेते हैं, इन पे किसी चीज का अंकुश नहीं है, कोई भी देश इनको रोकता नहीं है, या अपना अंडर में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ऑर्डर लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ भी ऑर्डर दिया, निरंकुश होकर के उस काम को करते हैं, हालांकि उस काम से कितना हजारों का नुकसान हो जाए, बट ये निरंकुश होकर के उस काम को करते हैं। तो ये इनका मेन पावर है। आठवां मैं आपको बता दूं, ये क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे रहते हैं। ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं, किसी भी चीज की नई आविष्कार करने में, और ये एक्सपर्ट है डुप्लीकेट करने में, कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं, जिससे क्या होता है, चीपेस्ट प्रोडक्ट निकल के सामने आता है। किसी भी प्रोडक्ट का, एप्पल आईफोन बनाए इतना महंगा, एप्पल की जैसे कितने सारे फोन इन्होंने डिजाइन कर दिया बिल्कुल चिपेस्ट रेट में, प्रोडक्ट को बिल्कुल फ्री वे और कम रेट में ये सस्ता प्रोडक्ट बनाने में आगे रहते हैं, बहुत ही आगे रहते हैं। कॉपीराइट करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं चाइनीज, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हर प्रोडक्ट के डुप्लीकेट तैयार करते हैं जिससे इनको सस्ता माल अवेलेबल इजिली मिल जाता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो पावर है वो मैं आपको बता दूं, तो गवर्नमेंट जो होता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को रन करने में विश्वास रखते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं, ये जो भी प्रोजेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करते हैं ताकि इनकी जो रेवेन्यू हो लॉन्ग टर्म, लंबा समय तक चलता रहे। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म, गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबे समय के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट पे ये ध्यान नहीं देते हैं। और लास्ट और लीस्ट, नोवा इनका जो पावर है ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छी है, बहुत मजबूत है, बहुत ही सटीक है। मैं आपको बता दूं इनका ये 9 पावर मैंने जो आपको बताया, अब मैं मेन इनका बताता हूँ वीकनेस, कमजोरी क्या है आखिरकार इस चाइना का। वीक पॉइंट बता देता हूँ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा चाइना में क्या कमजोरियां है। नंबर वन, उनकी जो वीक पॉइंट है सबसे बड़ा, ड्विंडलिंग चीप लेबर, सस्ता श्रम। जी हाँ, सस्ता श्रम, जिसकी वजह से चाइना की डेवलपमेंट, विकास, ग्रोथ जीरो पे जा रही है, कम हो रही है। जी हाँ, पहला है सस्ता श्रम, ड्विंडलिंग चीप लेबर। दूसरा जो इनका बता दूं, डेमोग्राफी सबसे बड़ा वीकनेस चाइना की है, जनसंख्या
कंटिन्यू जनसंख्या ग्रो हो रहा है जिसपे किसी का कोई अंकुश नहीं, कोई रोक नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे उन जनसंख्या को कंट्रोल किया जाएगा। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है चाइना। जी हाँ, जनसंख्या सबसे बड़ा कमजोरी चाइना का है। जनसंख्या कंप्लीटली ग्रो हो रहा, कंप्लीटली जनसंख्या से रोक लगाने पे गवर्नमेंट कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा नया क्रिएटिव कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे। थर्ड जो है लैक ऑफ इनोवेशन, वहां की जो बड़े बड़े क्रिएटर है लैक ऑफ इनोवेशन हो जा रहे हैं ड्यू टू सप्रेशन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के कमी से लैक ऑफ इनोवेशन, कुछ नया आविष्कार करने के बारे में नहीं किया जा रहा, कुछ नई क्रिएटिव करने के बारे में यहाँ पे काम नहीं हो रहा क्योंकि स्वतंत्रता नहीं है। वहां के गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध लगा रखा है, रोक लगा रखा है। इवन आप जानते हो कि गूगल और यूट्यूब जैसे वेबसाइट भी चाइना में कम्प्लीटली लॉक है, वहां पे गूगल सर्च नहीं होता है। लैक ऑफ इनोवेशन होने के वजह से यहाँ पे नया कुछ इनोवेशन नहीं हो पा रहा, नया कुछ आविष्कार नहीं हो पा रहा क्योंकि लिबर्टी, लैक ऑफ लिबर्टी है चाइना में। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड ऑफ सुपर पावर बट राइवल, ये एक सुपर पावर की तरह काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में बट राइवल कर रहे हैं, एक दोस्त मित्र के रूप में बहुत सारे प्रतिद्वंदी क्रिएट कर रहे हैं, अपने दुश्मन खड़ा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इनकी प्रतिद्वंदी बहुत हो गए, बहुत सारे हो गए। फिफ्थ बता दूं, स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक, यहाँ की जो इकोनॉमी है यानी आर्थिक व्यवस्था है वो स्लो हो चुका है, आर्थिक व्यवस्था बहुत स्लो हो चुका है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि यहाँ पे लेबर बहुत सस्ते श्रम में हो रहे हैं जिस वजह से यहाँ की आर्थिक व्यवस्था स्लो हो चुकी है, स्लो हो चुकी। जी हाँ, इनके पास कैश फ्लो का अभाव है, मनी का अभाव है, पैसे का अभाव हो चुका है, इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था बहुत स्लो है। आउट ऑफ डेट है मिलिट्री हार्डवेयर, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो मिलिट्री है, मिलिट्री का हार्डवेयर है वो आउट ऑफ डेटेड है, अपडेटेड हार्डवेयर या अपडेटेड मिसाइल, अपडेटेड कोई भी कंपोनेंट नहीं यूज कर रहे हैं चाइना, अपडेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ डेटेड सारे हार्डवेयर है। डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपोर्ट, जो भी एक पॉइंट मैं बता दूं, एक्सपोर्ट पूरी तरह से ये एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड करते हैं, अगर इनका एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है पूरी डाउन हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी चाइना का। तो डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपोर्ट सबसे बड़ा कारण हो सकता है चाइना के बर्बाद होने का क्योंकि ये एक्सपोर्ट पे पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, अपने कंट्री में किसी प्रकार से कोई भी ऐसी काम नहीं करते जिससे इनको इनर वर्क पे स्वदेशी के द्वारा, जिस प्रकार से हमारा देश स्वदेशी को अपना रहा कि अपने ही देश में क्रिएट करना, अपने ही देश में सेल करना, अपने ही देश में अर्न करना है, बट चाइना नहीं है, चाइना दूसरे देश पे डिपेंड करते हैं, एक्सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको ब्रेन ड्रेन, जी हाँ ब्रेन ड्रेन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो भी प्रतिभा लोग है वो प्लान कर रहे हैं, मतलब जिनमें नॉलेज है वो चाइना छोड़ करके किसी और देश में जा रहे हैं, वहां पे अर्न कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमारे देश में भी है, ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा प्लायन। जी हाँ, प्रतिभा प्लायन, जो प्रतिभागी व्यक्ति है वो प्लायन कर रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं, रिजिड सोसाइटी एंड रिजिड गवर्नमेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ का है कठोर समाज और कठोर सरकार, कठोर समाज और कठोर सरकार, यहाँ की जो सरकार है वो कठोर है, यहाँ का जो समाज है वो कठोर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम चाइना का है रिजिड गवर्नमेंट, रिजिड सोसाइटी, सोसाइटी भी रिजिड है और समाज भी यहाँ का रिजिड है, यानी कठोर है, बहुत कठोर है, आप देख ही सकते हो इनकी कठोरता का लाइव प्रमाण आपको हर दिन देखने को मिल रहा है। ओके फ्रेंड, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, अच्छा नहीं लगा हो तो लाइक मत करना, अगर सब्सक्राइब करना हो करना, नहीं करना है मत करना, कोई दिक्कत नहीं, बस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना ताकि हर कोई इस चाइना का वीक और पावर को समझ सके।